स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो स्टडी आईक्यू के नए इनिशिएटिव पीसीएस सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, मिलिट्री पावर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का मोस्ट पावरफुल नेशन है और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भी ये अपनी डोमिनेंस बरकरार रखेगा। हालांकि आश्चर्य करने वाली बात यह है कि चाइना और इंडिया के मुकाबले कम मैन पावर होने के बावजूद भी आखिर यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पावरफुल मिलिट्री नेशन कैसे बना। इसका जवाब है यूएसए की सुपीरियर टेक्नोलॉजी, जो इसके ह्यूमन कैपिटल और हाई मिलिट्री बजट का नतीजा है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग यूएसए ऑन एन एवरेज बेसिस अपने टोटल एनुअल बजट का 15% मिलिट्री को एलोकेट करता है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस साल यूएसए ने डिफेंस सेक्टर को $778 बिलियन एलोकेट किए हैं, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 मिलिट्री पावर्स में से यूएस को छोड़कर बाकी 9 कंट्रीज के कंबाइंड डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। डेटा के अकॉर्डिंग यूएस मिलिट्री 6,125 न्यूक्लियर वेपन्स, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 68 न्यूक्लियर सबमरीन, 3,761 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 867 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 6,209 टैंक्स और 113 वॉरशिप्स पजेस करता है। B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, A10 थंडरबोल्ट सेकंड, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और F-22 रैप्टर इनमें से कुछ नोटेबल कॉम्बैट यूनिट्स के नाम हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी F-22 रैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम F-22 के सभी फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा F-22 की प्रोडक्शन क्यों रोक दी गई, इसके रीजंस पर भी नजर डालेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS-3 के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ hours का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 18th of October इवनिंग 6 PM से हो रही है, तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, F-22 US में लोकेटेड लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स कंपनी और बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के कोलैबोरेशन में बनाया गया एक अमेरिकन सिंगल सीट ऑल वेदर स्टेल्थ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स यानी कि USAF के लिए मैन्युफैक्चर किया था। F-22 पूरे प्लैनेट का पहला 5th generation एयरक्राफ्ट है और अब तक पूरे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर भी है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट्स वैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो एनिमी एयर स्पेस में एंटर करके उनका कंट्रोल सीज कर लेते हैं, जिससे कि उनके एनिमी एयरफोर्स पर कंप्लीट डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाए। ये दूसरे फाइटर जैसे मल्टी रोल फाइटर्स के मुकाबले काफी एक्सपेंसिव होते हैं। F-22 को डिजाइन तो प्राइमरली एज एन एयर सुपीरियोरिटी फाइटर किया गया था, लेकिन ये ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल्स इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज भी पजेस करता है। F-22 को डेवलप होने में तकरीबन 2 दशक का समय लग गया था। 1981 में जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तब यूएस एयरफोर्स ने F-15 ईगल और F-16 फाइटिंग फाल्कन को रिप्लेस करने के लिए एक एडवांस टैक्टिकल फाइटर की नीड को रिकॉग्नाइज किया, जो कि फाइटर डिजाइन में न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कॉम्पोजिट मटेरियल्स, लाइटवेट एलॉयज, एडवांस फाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, हाई पावर प्रोपल्शन सिस्टम और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एडवांटेज ला सके। US एयरफोर्स के लीडर्स के अकॉर्डिंग ये नई टेक्नोलॉजीज
पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले फाइटर जैसे कि F-15 और F-16 को 21st सेंचुरी तक आउटडेटेड बना देते। इसीलिए इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके न्यू फाइटर्स डेवलप करना नीड ऑफ द आवर था। इसके अलावा F-22 को डेवलप करने का एक मकसद सोवियत यूनियन के सुखोई SU-27 फ्लैंकनर एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स की कैपेबिलिटीज को सरपास करना भी था, जिसे खुद सोवियत यूनियन द्वारा अमेरिकन F-15 ईगल को आउट परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। रैप्टर को डेवलप करने में बहुत सारे ईगल के भी एडवांस स्पेसिफिकेशंस इस्तेमाल किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर इसका हाई ऑपरेशनल अल्टीट्यूड, हाई मैनोवरेबिलिटी, लॉन्ग रेंज, पावरफुल सेंसर्स और हाई वेपन पेलोड जो कि 8 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, ये सारे फीचर्स F-16 से ही इनहेरिटेड हैं। हालांकि रैप्टर की स्पीड ईगल की स्पीड से स्लाइटली लो थी, लेकिन फिर भी इसके डेवलपमेंट में इस्तेमाल किए गए एडवांस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज इसे दुनिया के सारे फाइटर से ज्यादा कैपेबल बनाते हैं। दोस्तों F-22 की डेवलपमेंट 1980s में शुरू कर दी गई थी और 1997 में पहला F-22 रैप्टर बनकर तैयार हो गया। 7 सितंबर 1997 को F-22 ने पहली उड़ान भरी और साल 2005 में USAF ने इसे ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया। साल 2006 में F-22 की डेवलपमेंट टीम को अमेरिकन एविएशन का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड कॉलियर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। USAF ने इनिशियली 750 रैप्टर्स ऑर्डर करने का डिसाइड किया था, लेकिन 1990 में जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिगन होने वाला था तब इस नंबर को रिड्यूस करके 648 कर दिया गया और फिर 1997 में इसे फर्दर रिड्यूस करके 339 कर दिया गया। अल्टीमेटली साल 2012 में टोटल 195 F-22 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद, जिसमें 8 टेस्ट और 187 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट शामिल हैं, USAF ने इसकी प्रोडक्शन रोक दी। हम आगे के सेक्शन में प्रोडक्शन टर्मिनेशन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जहां हम F-22 के स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे। दोस्तों F-22 रैप्टर दुनिया का पहला ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है जिसमें सुपर क्रूज, सुपर मैनोवरेबिलिटी, स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन एक साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स F-22 को स्टेल्थ, स्पीड, एजिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस का यूनिक कॉम्बिनेशन कहकर डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा इसकी लीथल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपनरी इसे बेस्ट एयर डोमिनेंस फाइटर बनाते हैं। F-22 में एक सोफिस्टिकेटेड सेंसर सूट फिटेड है जो कि पायलट्स को बिना डिटेक्ट हुए एयर टू एयर थ्रेट्स को ट्रैक, आइडेंटिफाई, शूट और किल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा F-22 के कॉकपिट्स भी इस तरीके से डिजाइन होते हैं जो कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को इनहांस करते हैं। एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में रैप्टर 6 AIM-120, AMRAAMs और 2 AIM-9 साइड विंडर्स कैरी करता है। F-22 की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसकी सरफेस टारगेट्स को अटैक करने की कैपेबिलिटी भी है। एयर टू ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन में ये एयरक्राफ्ट इंटरनली 2000 पाउंड की GBU-32 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस कैरी कर सकता है और नेविगेशन और वेपन डिलीवरी सपोर्ट के लिए ये ऑनबोर्ड एवियोनिक्स यूज करता है। इसके अलावा लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजीज का यूज रैप्टर को हाई सर्वाइवेबिलिटी और एयर टू एयर और सरफेस टू एयर थ्रेट्स के अगेंस्ट हाई लीथलिटी प्रोवाइड कराती है। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी, जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, वो पर्सनल एयरक्राफ्ट, शिप्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स में यूज की जाने वाली वो टेक्नोलॉजी है जो कि उन्हें रडार, इंफ्रारेड, सोनार और दूसरे डिटेक्शन मेथड से इनविजिबल बना देती है। यदि इंजन्स की बात करें तो F-22 में प्रैट एंड विटनी द्वारा डिजाइन्ड और मैन्युफैक्चर्ड दो F-119 इंजन्स यूज किए गए हैं। F-22 की इंजन्स अभी मौजूद सारे फाइटर इंजन से ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। F-119 इंजन्स की मैक्सिमम थ्रस्ट 39,000 पाउंड्स है, जबकि F-16 फाइटर, जिसमें F-22 के बाद सेकेंड हाईएस्ट थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले इंजन्स यूज होते हैं, उनका मैक्सिमम थ्रस्ट 29,000 पाउंड्स है। रैप्टर की स्लीक एरोडायनेमिक डिजाइन और इंक्रीज थ्रस्ट F-22 को बिना किसी आफ्टरबर्नर को यूज किए सुपरसोनिक स्पीड से क्रूज करने को कैपेबल बनाता है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स की इस कैरेक्टरिस्टिक को सुपर क्रूज कहते हैं। सुपर क्रूज करने वाले दुनिया में अब तक 4 फाइटर्स ही बन पाए हैं और इसमें शामिल है रैप्टर, डसॉल्ट रफेल, यूरोफाइटर टाइफून और साब ग्रिपेन NG। F-22 आफ्टरबर्न के बिना यूज के 1.8 मैक के स्पीड से क्रूज कर सकता है, जो कि साउंड की स्पीड से 1.5 टाइम्स ज्यादा है, और आफ्टरबर्नर यूज करने के बाद तो ये 2.25 मैक की स्पीड से फ्लाई कर सकता है।
और सिर्फ यही नहीं, इवन इस हाई स्पीड पर भी रैप्टर क्विकली एक्सेलरेट करके रेजर शार्प टर्न्स एग्जीक्यूट कर सकता है। इन तमाम एडवांटेजेस के अलावा F-22 के बारे में एक और खास बात है, और वो है इसकी मैनोवरेबिलिटी, यानी किसी भी डायरेक्शन में ईजिली मूव करने की क्षमता। F-22 की एरो डिजाइन, इसके फ्लाइट कंट्रोल्स, थ्रस्ट वेक्टरिंग और हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो इसे दुनिया के सारे एयरक्राफ्ट से ज्यादा मैनोवरेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब यदि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रैप्टर की लेंथ 62 फीट एंड 1 इंच है और हाइट 16 फीट 8 इंचेस है। वहीं विंग स्पैन 44 फीट 6 इंचेस लॉन्ग है। इसका वेट 43,340 पाउंड्स है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 83,500 पाउंड्स है। वहीं F-22 की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 2,960 किलोमीटर है और रेट ऑफ क्लाइंब 62,000 किलोमीटर पर मिनट है। दोस्तों F-22 की यही खूबियां इसे दुनिया का मोस्ट पावरफुल फाइटर बना देती हैं। और आपको बता दें कि अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के पर्पस से अमेरिका ने F-22 की एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। हालांकि बैन के बावजूद कांग्रेस ने 2010 में डिफेंस ऑथराइजेशन बिल पास किया था, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को F-22 की एक्सपोर्ट वेरिएंट की कॉस्ट और फिजिबिलिटी और F-22 की एक्सपोर्ट सेल्स का US एरोस्पेस इंडस्ट्री पर इफेक्ट के ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करने से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए थे। दुनिया भर के देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसराइल ने F-22 को परचेस करने में इंटरेस्ट जाहिर किया है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट की हाई कॉस्ट को देख के पीछे हट गए। और दूसरी बड़ी वजह इसके एक्सपोर्ट पर लगा बैन भी था। दोस्तों F-22 प्रोग्राम उस समय की दुनिया के मोस्ट कैपेबल एयर सुपेरियोरिटी फाइटर बनाकर अपने मिशन को तो अचीव करने में सक्सेसफुल हुआ, और साथ ही साथ एक डिकेड से ज्यादा टाइम तक इससे हेड टू हेड कॉम्पिटिशन देने वाला फाइटर किसी भी कंट्री के पास नहीं था। लेकिन अचीवमेंट्स के बावजूद प्रोग्राम ने कई लेवल पर फेलियर्स भी देखे। इनमें से टॉप मोस्ट फेलियर है फाइटर्स की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। इनिशियली ये माना जा रहा था कि रैप्टर लो कॉस्ट और लोअर मेंटेनेंस पर ऑपरेट करने के कैपेबल हैं, लेकिन रियल केस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट $60,000 क्रॉस कर गई, जिसकी वजह से रैप्टर वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला फाइटर बन गया। अबाउट $150 to $200 million पर फाइटर के कॉस्ट पर रैप्टर ऑलरेडी एक एक्सपेंसिव फाइटर था, और ऊपर से इसकी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ने इसको और भी एक्सपेंसिव बना दिया था। जैसे कि 55 ईयर्स जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ टाइम थी, उतने टाइम के लिए इसको ऑपरेट करने के लिए USAF को $700 million स्पेंड करने की जरूरत थी। ये मेन रीजन था कि USA ने रैप्टर की प्रोडक्शन को प्लान्ड 750 से घटाकर 187 पर ही टर्मिनेट कर दिया। सेकेंडली, कुछ एयरफोर्स लीडर्स F-22 को ओवरकिल कंसीडर किया करते थे। ओवरकिल का मतलब नेसेसिटी से ज्यादा डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी पजेस करने वाला फाइटर। ये थ्रू आउट 2000 के डिकेड में जब US इराक और अफगानिस्तान के साथ वॉरफेयर में एंगेज था, तो रियलाइज किया गया कि F-22 अपने एयर कॉम्बैट मिशन के लिए रेलिवेंट एडवर्सरीज लैक करता है। इसके अलावा और भी दूसरे ग्राउंड्स, जैसे इसके हाई प्राइस और लिमिटेड मल्टी रोल वर्सेटैलिटी के बेसिस पर F-22 के प्लान प्रोक्योरमेंट को मल्टीपल टाइम्स कर्टेल करने पर काम किया गया। साल 2006 में वहां के कॉम्प्ट्रोलर जनरल डेविड वॉल्कर ने ये पाया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने F-22 में इन्वेस्टमेंट की नीड को प्रूव नहीं किया है। F-22 की नीड को रॉबर्ट माइकल गेट्स, जो कि एक इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट थे और US के 22nd सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, GR इंग्लैंड जो कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, और भी दूसरे एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियंस ने क्वेश्चन किया। साल 2008 तक F-22 के सारे इन्फ्लुएंशियल सपोर्टर्स इससे अपोज करने लगे। 2008 में रॉबर्ट गेट्स ने बोला कि पोस्ट कोल्ड वॉर के एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में F-22 की कोई नीड नहीं है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर ऐसे वॉर्स को कहा जाता है जहां दो अलग अलग साइज के और टेक्नोलॉजी यूज करने वाले आर्मीज एक साथ बैटलफील्ड में फाइट करते हैं। और फिर फाइनली ओबामा ने 187 रैप्टर्स के प्रोडक्शन को 2011 तक कंप्लीट करने के बाद इसे एंड करने का ऑर्डर दिया। दोस्तों इन फेलियर्स के बावजूद F-22 रैप्टर आज 25 सालों के बाद भी US एयरफोर्स का मोस्ट पोटेंट एयर डोमिनेंस फाइटर है, और अपने क्लास में सारे फाइटर्स के 5 to 10 टाइम्स स्मॉलर रडार क्रॉस सेक्शन के साथ स्टेल्थीएस्ट एयरक्राफ्ट है। 2013 के एक इंसिडेंट में एक रैप्टर दो ईरानियन F-4 फैंटम्स को बिना उनके रडार में डिटेक्ट हुए नीचे से फ्लाई करते हुए उनके आर्सनल्स को एग्जामिन करता है।
ये इंसिडेंट F-22 की लेवल ऑफ स्टेल्थनेस और उसके एडवांटेजेस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। दोस्तों F-22 भले ही वॉरफेयर में बिना किसी एडवर्सियल एयरक्राफ्ट को शॉर्ट करे रिटायर हो जाए, लेकिन इसे भी एक प्रैक्टिकल विन के जैसा देखा जा सकता है। F-22 जैसे अनमैच्ड कैपेबिलिटीज वाले कटिंग एज सिस्टम का पर्पज डिटेरेंट के जैसे एक्ट करके सारे पोटेंशियल राइवल्स को इन द प्लेस वॉर करने से डिस्करेज करना है। इस वे में F-22 बिना मास किलिंग और डिस्ट्रक्शन किए भी एक सक्सेस कहा जाएगा। इनफैक्ट वॉर को प्रिवेंट करना तो वॉर जीतने से भी ज्यादा बड़ी बात है। रैप्टर्स के बहुत से डिजाइन सक्सेस को F-35 में अप्लाई किया गया है, जो कि उसके कंपैरिजन में लेस मैन्यूवरेबल, लेस वेल आर्म्ड और लेस स्टेल्दी है, और इसकी प्राइस भी रैप्टर के कंपैरिजन में चीपर है। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस F-22 रैप्टर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए जहां पे यूएसए की बहुत सी एडवर्सरी कंट्रीज एग्रेशंस पे उतारू हैं, क्या उस टाइम पे यूएसए को F-22 प्रोग्राम को रिवाइव करना चाहिए? जस्ट शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ हैज द रोल ऑफ द एयरफोर्स इंक्रीज इन मॉडर्न वॉरफेयर? एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।